ओवर द ईयर्स ओडा सेंसे हैज रिटन न्यूमरस आर्क्स इन वन पीस, और इन सभी आर्क्स ने स्पेशल जगह होल्ड किया हम सबके दिलों में। एक ऐसा पर्टिकुलर आर्क है मरीन फोर्ड। ये आर्क समिट वॉर सागा का लास्ट आर्क था। इस आर्क ने स्टार्ट से ही फैंस को पकड़े रखा था। एक टाइम पे लूफी ओरो ने एस को बचाया, बट अगले ही मोमेंट एस को मरवा दिया, विच इज हर्ट ब्रेकिंग। बाकी इसमें व्हाइट बेल्ट के बारे में काफी कुछ पता चला, बट अनफॉर्चुनेटली उसे भी मरवा दिया। ये आर्क कई तरीकों में काफी सेंसेशनल था, और इसे सबसे स्पेशल बनाता है कि लूफी इतनी मेहनत के बाद भी लास्ट में फेल हो जाता है, और उसे हिम्मत मिलती है और भी पावरफुल होने के लिए। और अभी फाइनल सागा स्टार्ट ही हुआ है, तो आगे जो हम देखने वाले हैं वो और भी इंटेंस होने वाला है। ओडा सेंसेई कहते हैं कि उन्हें वन पीस लिखने के लिए एक चीज मोटिवेट करती है कि उन्हें फाइनल सागा लिखना है। फाइनल सागा इतना अमेजिंग होने वाला है कि मरीनफोर्ड आर्क भी उसके आगे कुछ नहीं लगेगा। मरीनफोर्ड आर्क तो सिर्फ साइड ट्रिप थी मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना पॉपुलर हो पाएगा। और मेरे हिसाब से फाइनल सागा बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि बहुत बड़े रिवील्स में होंगे, और मुझे एक फीलिंग भी आ रही कि कोई ना कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर लाइक एस मरने वाला है, मे बी इन एल्बाफ।